पसमंदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। ओबीसी आरक्षण के बारे में जो है हम सब लोग इकट्ठा हुए थे और ओबीसी आरक्षण किस तरह टिकना चाहिए, दाखला मिलना चाहिए ओबीसी का, उसमें जो दिक्कतें आती है। जो वैलिडिटी का पीरियड था, जो 50 साल का पीरियड यहाँ पर रहवासी दाखला और बाकी चीज़ों का इसमें रखा गया था, वो पीरियड कम करके कि ये जो मुसलमानों को आरक्षण मिला है, ये आरक्षण जात बोल के नहीं मिला है। ये प्रवर्ग है, ये जात नहीं है, ये मैं आप पहले बताना चाहती हूँ। देखिए, महाविकास आघाड़ी के यहाँ पर पदाधिकारी और लीडर्स और माजी आमदार हमारे रुपेश दादा मात्री जी मौजूद थे। इनकी सदारत में ये कार्यक्रम, इनको हम अपना महाविकास आघाड़ी जो बनी हुई है महाराष्ट्र में, उसका प्रवक्ता बना रहे हैं कि साहब हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएँगे। और रुपेश दादा मात्रे जी ने इसका आश्वासन भी दिया कि हम आपकी बात को वहाँ तक रखेंगे, जब जवाब आएगा उसके बाद देखेंगे। आज यहाँ पर पसमंदा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, इनके माध्यम से पिंजारी मंसूरी और नदाब समाज का ये मिलावा यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें ओबीसी आरक्षण के बारे में जो है हम सब लोग इकट्ठा हुए थे और ओबीसी आरक्षण किस तरह टिकना चाहिए, या ओबीसी के लोगों को जो हमारे मुस्लिम भाई है, पसमंदा समाज के भाई जो है, इनको जो दाखला मिलना चाहिए ओबीसी का, उसमें जो दिक्कतें आती है उनका, वो दिक्कतें कम करने के लिए या किस तरह से उनको दाखले अच्छे तरह मिलने चाहिए, इसके लिए हम सब लोग यहाँ पर निश्चित रूप से कोशिश करेंगे। दूसरी बात जो है, जो वैलिडिटी के लिए परेशानी हो रही है, जो वैलिडिटी का पीरियड था, जो 50 साल का पीरियड यहाँ पर रहवासी दाखला और बाकी चीज़ों का इसमें रखा गया था, वो पीरियड कम करके 30 या 35 साल का किया जाए, ये हमारी डिमांड यही के बारे में रहेगी। और यहाँ पर जो समाज इकट्ठा, ओबीसी समाज इकट्ठा होना चाहिए और अपनी जो सहूलतें सुविधाएं हम सबको मिलनी चाहिए, उसके लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए, इसके लिए आज का ये प्रोग्राम का यहाँ पर आयोजन किया गया। मराठा आरक्षण को आपका क्या समर्थन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मराठा आरक्षण के बारे में, मराठा भाई भी हमारे सभी भाई हैं, उनमें भी पिछड़े हुए लोग हैं, वो समाज में भी पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी उनका न्याय मिलना चाहिए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनको के आरक्षण को विरोध करने का कोई कारण नहीं है। लेकिन वो आरक्षण देते वक्त जिस तरह संविधान है, संविधान का को मायना देते हुए, संविधान की मर्यादा रखते हुए गवर्नमेंट ने उसके बारे में जो है उनको आरक्षण देने के लिए कोशिश करनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पूरी तरह से ये भेजना चाहिए और वहाँ से जो है उनको आरक्षण के मुद्दे पर या उनको आरक्षण देने के लिए संविधान को मद्देनज़र रखते हुए आरक्षण किस तरह बढ़ाया जाए और उनको भी मिले, ताकि उन पे भी कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन ओबीसी के आरक्षण में उनको घुसेड़ना, ये कहीं ना कहीं अन्यायकारक है, ये नहीं होना चाहिए, उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसके लिए हमारा उनके लिए समर्थन है। आज की जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इस पर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, ये कॉन्फ्रेंस तो ओबीसी वीजेएनटी बहुजन परिषद की ओर से, पसमिंदा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की ओर से यहाँ पर ये आगाज़ किया गया था। इनके जो सवालात है, इनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वैलिडिटी नहीं मिलती, पुरावा जो है वो मिलता नहीं, तो इसके बारे में इनके जो सवाल है इसके ऊपर ये परिषद थी। एक पहली बात आपके चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो मुसलमानों को आरक्षण मिला है,
ये आरक्षण जात बोल के नहीं मिला है। इनका जो व्यवसाय है, जैसे अतार है, मनियार है, पिंजारी है, नदाफ है और जुला है, ये जो माग चलाने वाले लोग हैं, बुनकर है, तो इनका जो व्यवसाय था इसी के तहत इनकी इनकी जो और ये था मंडल आयोग ने इनको शैक्षणिक मागासलेपन, सामाजिक मागासलेपन, आर्थिक मागासलेपन और पिछड़ापन और सांस्कृतिक पिछड़ापन, ये चार निकष लगाकर इनको भी आरक्षण दिया था। ये प्रवर्ग है, ये जात नहीं है, ये मैं आप पहले बताना चाहती हूँ। तो इसके जरिए इनको मिला है, लेकिन जो लाभ इनको मिलना चाहिए आज़ाद भारत में, कायदा बनने के बाद भी कायदे का राज यहाँ पर नहीं है। हमारी न्यायपालिका, हमारी कार्यपालिका, हमारी विधायिका ठीक तरह से देश में अभी चलने नहीं दे रहे हैं कुछ लोग, तो इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है।